जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज है सठ तिला एकादशी। तो मेरे शॉर्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा क्या क्या करना होता है। तो मैं आ गई हूँ नहाने, तो मैंने पानी में डाला है, नहाने के पानी में मैं हर एकादशी को आंवले का जूस डाल देती हूँ, थोड़ा सा कुछ बूंद डाल देती हूँ। कहा जाता है कि एकादशी के दिन पानी में आंवले का रस डाल के नहाने से पापों का नाश होता है। तो इतनी सी बात है भाई, छोटा उपाय है, कर लेते हैं, बहुत इजी है। क्योंकि आज सठ तिला एकादशी है तो मैंने तिल भी डाले हैं थोड़े से, और तिल का उपटन मैंने बना लिया था कल ही। तिल के उपटन में थोड़ा सा पानी मिलाया, उसको घोल लिया, उसको बॉडी में अच्छे से रब करके मैं नहाई। ये बहुत अच्छा स्क्रबर है, नेचुरल स्क्रबर है। मेरे जैसे सेंसिटिव स्किन अगर आपकी भी है तो ये नेचुरल स्क्रबर बहुत काम की चीज़ है। नहा के आ गई थी और मैंने पहन ली सुंदर सी एक नई साड़ी। जी हाँ, मैंने साड़ी पहनी क्योंकि आज बहुत स्पेशल कुछ होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नहा धो के रेडी होने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था सठ तिला एकादशी के दिन तांबे के लोटे में तिल भर के दान करना चाहिए, दुगना फल मिलता है। तो मैं भी एक नया तांबे का लोटा मंगवा ली थी, उसमें तिल भर लिया। और दान हमेशा दक्षिणा के साथ ही देना चाहिए, तो दक्षिणा ज़रूर रखें, आपकी जितनी पॉसिबल हो उतनी दे दें। फिर आज मंगलवार है तो मैं करती हूँ छोटा सा एक प्रयोग। वो प्रयोग है, लोटे में जल ले लेती हूँ, जल में थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा गुड़ डाल के मैं चिक्की मिट्टी के पास आ जाती हूँ। यहाँ हमारा जो गार्डन है ना, मैं वहीं ये प्रयोग करती हूँ। फिर मैं सूर्य नारायण के सामने पृथ्वी माँ को प्रणाम करके मंगल देवते की भावना करके मैं ये जल उनको अर्पण करती हूँ। ओम ऋण मुक्ताय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम पृथ्वी पुत्राय नमः बोल के फिर मिट्टी में गिरा हुआ जल से तिलक भी कर लेती हूँ। ये प्रयोग बहुत काम का है, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी। तो 14 फरवरी को मैं मनाती हूँ पेरेंट वॉरशिप डे। अगर ट्रू लव की परिभाषा कोई जानना चाहे ना, तो सच में यही सच्चा प्यार है, तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट। मम्मी जा रही है अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। तो भाई आप कब जा रहे हो? भाई आप कुछ करें, अच्छा बताइए तो आप कब जा रहे हो? आएंगे कब? 17 तारीख को आ रहे हैं ना, पूजन दिवस है। आप नहीं तो आज हम लोग अभी मना लेते, क्योंकि आज एकादशी भी है तो अच्छा दिन है। आज हम लोग मना रहे हैं मातृपितृ भोजन व्रत। पापा भी आए हैं अभी घर, पापा फिर शॉप चले जाएंगे तो हम लोग अभी मना ले रहे हैं। बट आज मैं बहुत खुश थी उनके साथ ब्लॉग बना के। मम्मी पापा कितना करते हैं ना हमारे लिए, पूरा लाइफ अपना सैक्रिफाइस करने में निकाल देते हैं। ये फीलिंग सच में एक अलग ही फीलिंग है, इट्स कॉल्ड ट्रू लव। कर ली हूँ अभी पूजा, तो भी लंच करवा देती हूँ, काफी लेट हो चुका है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो रेस्ट का टाइम होता है इस टाइम पे, हम लोग आधा एक घंटा रेस्ट कर लेते हैं। अभी तो कुछ काम नहीं, क्योंकि ये जो डे स्पेशल डे हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं ना, एक मोमेंट के लिए मैं अगर उनको ये फील करा पाऊँ कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है सच में। दोपहर के बाद है ना, मैं साड़ी चेंज कर ली थी, फिर मुझे घर के थोड़े बहुत कुछ काम थे तो मैंने वो सारे कर लिए।
अब मैं जाती हूँ नीचे, देखती हूँ मम्मी की कितनी पैकिंग हुई है, क्या ले जाना है क्या नहीं, कल फिर डालने के लिए जो भी नमक पारे शक्कर पारे चूड़ा जो भी ड्राई नाश्ता होता है ना वो बनाना है, तो पैकिंग आज ही कर लेते हैं। तो यहाँ हो गई थी मम्मी की पैकिंग। देर रात हो गई है, करीब 10 बज रहे हैं, तो मैं पी ले रही हूँ दूध क्योंकि मेरा फास्ट था तो मैं दूध पी ले रही हूँ। सुबह फिर से आपसे मुलाकात होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो पे।